सुनिए, आपने किसी दुबली पतली औरत का गेहुआ रंग, उसके साथ एक नेपाली आदमी भी है। नहीं जी, मैं नहीं जानती। अरे भाई देखो तो क्या हो गया, ये कौन है, ऐसे कैसे गिर गई? अरे डॉक्टर को बुलाओ भाई, डॉक्टर को बुलाओ, जाओ जल्दी। अरे ये तो बेहोश है, हो सकता है बीमार हो। ओ एक तो धूप भी इतनी तेज है। अरे भाई साहब सुनिए, ये भीड़ क्यों जमा है यहाँ पे, रास्ता ही बंद हो गया है। एक औरत बेहोश पड़ी है वहाँ बीच सड़क पर। बेहोश पड़ी है? मैडम आप इसे अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाइए। नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं नहीं ले पाऊंगी। देखो बेटा, किसी की मदद करना जब वो कोई मुसीबत में हो, उसकी मदद करने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है। और तुम खुद एक औरत हो, अगर तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओगी तो अच्छा होगा ना। अच्छा ठीक है, आप इन्हें गाड़ी तक ले आइए। हाँ आइए आइए, उठाइए। मैडम आपका बिल रेडी है, आपको बुलाया है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको रुकने के लिए कहा है, कुछ बात करना चाहती हैं वो। ठीक है। Excuse me. Yes, doctor. अब कैसी है उनकी तबीयत? पेशेंट की हालत अब ठीक है, लगता है उन्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं है। अपनी सेहत के साथ इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। जी आप समझाइएगा अपनी सहेली को, इस तरह भूखे प्यासे रहना ना आपकी सहेली के लिए ठीक है, ना ही उस बच्चे के लिए जो उनके अंदर पल रहा है। क्या मतलब है आपका डॉक्टर, क्या आपको? जी हाँ, आपकी सहेली माँ बनने वाली है। सलोनी प्रेग्नेंट है, इसका मतलब अबॉर्शन करवाने की कहानी झूठी थी।